मॉर्निंग बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने रोल आउट सत्याग्रह के बारे में जाना, सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी, आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में जाना एंड अ बीट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ओके, कोई ऐसे बच्चे थे जिनको कुछ डाउट था खिलाफत मूवमेंट एंड आइडिया ऑफ सत्याग्रह के इसमें? सो सत्याग्रह की शुरुआत, अगर जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो लेके आए थे, वो लेके आए थे महात्मा गांधी इंडिया में। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट द रेसिस्ट रेजाइम के अगेंस्ट वो लड़ रहे थे। रेसिस्ट मतलब जब किसी कम्युनिटी ऑफ पीपल को केवल के कलर के बेसिस पे बहुत बुरा व्यवहार किया जाए, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाए, भेदभाव किया जाए, तो उसको हम रेसिस्ट बोलते हैं। तो साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट चलता था, ऐसा भेदभाव चलता था, उसको हम एपार्टाइड सिस्टम कहते थे। हम नाइन्थ में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, फिर उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह करे, वहाँ पे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट किए। ओके, और उनका ये आइडिया था कि अगर हम सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि जो भी अपनी बातें हैं, जो भी अन्याय हो रहा है हम पर, अगर हम सच्चे हैं तो हमें किसी भी टाइप के वायलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन वायलेंटली भी हम अपनी बात मनवा सकते हैं बाय अपीलिंग। ओके, और जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनको हम ये दिखा सकते हैं कि डायरेक्ट आप जो भी कर रहे हो अनजस्ट कर रहे हैं, हम ऐसे जस्टिस नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए हमें किसी भी टाइप के बदले की भावना के तहत या वायलेंस का तरीका ना लेते हुए हमें नॉन वायलेंटली ये करना है। देन हम आता है रोल आउट एक्ट, रोल आउट सत्याग्रह के बारे में। हम सभी जानते हैं रोल आउट एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत किसी पर्सन को जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एज थ्रेट लगता था, तो उनको वो जेल में डाल दिया करते थे विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रायल। ओके, और ऐसी कंडीशन पंजाब में हुई जब रोल आउट सत्याग्रह जब चल रहा था, तो वहाँ पर किसी कारण के ऐसा उनका वायलेंस हुआ एंड एज ए रिजल्ट वहाँ पर मार्शल लॉ लगाना पड़ा। मार्शल लॉ मतलब क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर एरिया की पूरा कमांड, सारे डिसीजन लेने का कमांड मिलिट्री के हाथ में होता है, तो उसको हम बोलते हैं मार्शल लॉ। उस समय जनरल डायर मिलिट्री हेड थे अमृतसर एरिया के, और उन्होंने वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था। और उसी दौरान 13 अप्रैल को बैसाखी का फेयर एज वेल एज सम पीपल्स जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर उन्होंने ओपन फायरिंग कर दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी गई। फिर उसके बाद में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली ऑटोमन टर्की के बारे में है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट टर्की हार चुका था, सो यूनाइटेड किंगडम क्या कर रहा था, उन पर एक पीस ट्रीटी इम्पोज कर रहा था। ओके, और ट्रीटी बहुत ज़्यादा हार्श हो रही थी, और जो वहाँ के जो हेड थे ना, लाइक जो किंग हम बोल सकते हैं, जो वहाँ के इस्लामिक जो हेड थे, उसको खलीफा के नाम से जाना जाता था, तो उन पर कुछ हार्श इम्पोजिशन करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे इंडियन जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो वो इस ट्रीटी के अगेंस्ट तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट इनिशिएट किया। यहाँ पर जो मुस्लिम यंग लीडर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया। और कहीं ना कहीं गांधी जी भी चाहते थे कि जो रोल आउट मूवमेंट था, जो रोल आउट सत्याग्रह था, वो काफ़ी सीमित था गाँव और शहरों तक, तो उसको वो चाहते थे कि वो ब्रॉडली उसको हर जगह तक फैला जाए और हर कम्युनिटी के पीपल्स हैं। इसके लिए उन्होंने ये चाहा कि जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं वो इकट्ठा होके सत्याग्रह में शामिल, और इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को अपना समर्थन दिया। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके लिए हम बुक के थ्रू ही पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। Why Non-Cooperation Movement? In his famous book, Hindu Swaraj, 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians. Okay, 1909 में महात्मा गांधी ने अपनी एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिश रूल, जो साम्राज्य जो एस्टैब्लिश हुआ है, वो इंडियंस की कॉपरेशन की वजह से हुआ है एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। और कहीं ना कहीं ये अभी तक, आज तक ये इंडिया में इसलिए सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि आज भी हम इनको कॉपरेट कर रहे हैं।
इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। और अगर हम इंडियंस इनको कॉपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल साल भर भी यहाँ नहीं टिक पाएगा और स्वराज इंडिया में, इंडिया को स्वराज मिल जाएगा। स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंस। ओके, हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकेम ए मूवमेंट। ओके, नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट कैसे बना? तो गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। इट शुड बिगेन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड ए बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। अब इस मूवमेंट को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में स्टार्ट करने के लिए गांधी जी ने इस प्रपोजल दिया। और उन्होंने शुरुआत कहाँ से करवाई कि उन्होंने अपील की कि जितने भी जो गवर्नमेंट टाइटल्स मिले हैं उनको वो उन्होंने सरेंडर करें। ओके, और अदर्स से भी अपील की कि जिन भी अदर जो सोशल वर्कर्स थे या पॉलिटिकल नेशनलिस्ट थे वो अपने जो गवर्नमेंट के थ्रू जो टाइटल्स उनको मिले हैं, जो सम्मान उनको मिला है, उसको वो वापस लौटा दें। जितनी भी सिविल सर्विसेज की जो सर्विस कर रहे थे, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे, वो अपने सिविल सर्विसेज को छोड़ दें। ओके, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। इसके साथ साथ केवल सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट नहीं करना है, हम आर्मी अपनी जॉब, आर्मी में जो हमारे इंडियंस थे उन वो अपना रेजिग्नेशन दे दे, पुलिस में, कोर्ट्स में लॉयर्स हैं, बैरिस्टर जो उस समय हुआ करते थे वो अपना रेजिग्नेशन दे दें। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि ऐसे काउंसिल जहाँ पर जो लोकल नेशनलिस्ट हुआ करते थे लोकल रीजन में, उन लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो हिस्सा हुआ करते थे। ओके, तो उन काउंसिल्स से अपने रेजिग्नेशन दे दे। जो ब्रिटिशर्स के थ्रू जो स्कूल चलाए जा रहे हैं वहाँ पर अपने बच्चों को ना भेजें। ओके, और जितनी फॉरेन गुड्स हैं उन्हें, जितना भी ब्रिटिश जितना भी सामान यहाँ पे इम्पोर्ट करवाता था वो सारे गुड्स को बॉयकॉट किया जाए। देन इन द केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। और इससे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, फिर हम एक पूरा सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर पाएंगे। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूअर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। और इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या करा, अलॉन्ग विद शौकत अली पूरे इंडिया का टूर किया और वहाँ पर उन्होंने सपोर्ट मांगा कि दैट वी आर लीडिंग अ मूवमेंट, और हमें वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनसे सपोर्ट मांगा। मैनी विद इन द कांग्रेस वेयर हाउ एवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल। अब ऐसा था कि जो विद इन द कांग्रेस पार्टी ऐसे बहुत सारे थे जो कि इस प्रपोजल से लेकर थोड़ा कंसर्न थे, दे वेर रेलुकेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस। अब जैसे जो हमने अभी यहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम आई थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आई थी, यानी कि जो लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, है ना, गाँव में ग्राम पंचायत हो गई, जो मीन्स हम ये बोल सकते हैं जो लोकल कॉरपोरेशन या काउंसिल्स होते थे वहाँ पे जो इलेक्शंस होते थे उसमें इंडियंस पार्टिसिपेशन करते थे, यानी कांग्रेस लीडर पार्टिसिपेट करते थे, तो वो काफ़ी जो कांग्रेस लीडर जो उन इलेक्शंस में उन इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो काफ़ी रेलिवेंट थे कि हमें बॉयकट करना नहीं चाहिए, अदरवाइज जो गवर्नेंस में भी हमारा अधिकार, जो लोकल गवर्नेंस है उसमें भी हमारा अधिकार चला जाएगा। एंड ऑल्सो दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू वायलेंस। इसके साथ साथ उनको इस बात का भी डर था कुछ कांग्रेस लीडर्स का कि कहीं ये मूवमेंट आगे जाके वायलेंट ना क्रिएट करें। इन द मंथ्स बिटवीन सेप्टेम्बर एंड दिसंबर देयर वॉज एन इंटेंस टसल विद इन कांग्रेस। ओके, और इसी दौरान बिटवीन सेप्टेम्बर एंड दिसंबर मंथ में, ओके, ऑन द सेम ईयर बहुत ज़्यादा टसल, यानी आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद रहे कांग्रेस विद इन द कांग्रेस। फॉर अ वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। और एक समय तो ऐसा आया जहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आपस में जो सपोर्टर्स और अपोनेंट्स के बीच में जो मीटिंग्स हो रही थी वो मीटिंग्स तक होना बंद हो गई, क्योंकि जो भी मीटिंग होती थी वो बेनतीजा निकलती थी। ओके, याद रहे कि जो इलेक्शन होने वाले थे वो शेड्यूल्ड थे नवंबर 20 में। ओके, और इस वजह से भी बहुत सारे लीडर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, इस वजह से वो सम लीडर्स वेयर अपोजिंग द नॉन वायलेंट मूवमेंट। ओके,
फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 ए कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड. बट इन दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ. ओके 1920 दिसंबर में यानी कांग्रेस की जनरल मीटिंग हुई. तो वहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या प्रोग्राम को अडॉप्ट करने के लिए सहमति बनी. हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट एंड हाउ डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप कन्विंस ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन. अब ये मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन पार्टिसिपेट हुआ, कैसे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है उनको कन्विंस किया गया कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल होइए. ओके अभी आदि के बुक में पेज नंबर 33 में फिगर 4 है. ओके जो कि जुलाई 1922 की इमेज है जहाँ पर फॉरेन क्लॉथ्स का बॉयकॉट हो रहा है. आपको एक बड़ा सा चरखा दिखाई दे रहा होगा. ओके जो कि सिंबल था उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, जिससे कि जो वेस्टर्न जो कल्चर है या जो वेस्टर्न इकोनॉमिक है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो उस समय जो फॉरेन क्लॉथ्स हुआ करते थे वो इंग्लैंड के से इंपोर्ट होके यहाँ आते थे. तो कहीं ना कहीं जो डोमिनेशन दिखाते थे जो फॉरेन क्लॉथ्स, तो उसको वो लोग वो करने नॉन कोऑपरेट मतलब बॉयकट करते हुए अपने जो खुद की जो खादी होती है उसको प्रमोट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ दिस चरखा. ऑन पेज नंबर 34 जो हमें हेडिंग है डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं, डिफरेंट आइडियाज जो थे या डिफरेंट टर्म जो लोगों के उद्देश्य अलग अलग थे विद इन द मूवमेंट. जैसे लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट बिगेन हुआ जनवरी 1921 में, उसमें वेरियस सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेशन भी किया. ओके हालांकि सब ने जो वो एक जो हम कहते हैं ना कि एम जो होता है विद द मूवमेंट वॉज फॉर स्वराज, ही हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, पर लेकिन सबके लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग था. ओके बिकॉज देर वर सम सेक्शन ऑफ पीपल जिनको स्वराज जो चाहिए था वो पूरा ओपनली मतलब पूरा अपना स्वर्ण पूर्ण स्वराज चाहिए था, मतलब कि पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए थी कि लाइक एक एक चीज़ जो इंडिया के बारे में एक एक जो गवर्नेंस का फैसला होना चाहिए वो हम इंडियंस ही करेंगे, ब्रिटिशर्स उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे और वो चले जाएंगे. कुछ ऐसे थे कि हमें कुछ पावर्स मिल जाए और ब्रिटिशर्स कैन स्टे हियर. ओके तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स थे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास अपनी डिफरेंट टर्म ऑफ मीनिंग थी स्वराज के लिए. ओके सो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स इन टाउन एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द मूवमेंट्स इन द कंट्री साइड. कंट्री साइड का मीनिंग यहाँ पर मतलब इन द विलेज एरिया. ओके द मूवमेंट इन टाउन्स, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज. सिटीज में मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन जब हुआ. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस. से बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो स्कूल कंट्रोल करती थी उन स्कूल्स को छोड़ दिया था, कॉलेजेस को छोड़ दिया था. हेडमास्टर टीचर्स जो हुआ करते थे प्रिंसिपल हेडमास्टर्स, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दे दिए थे. लॉयर्स जो होते थे जो कि लीगल प्रैक्टिस करते थे कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया. द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इन मेनी प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt the entering of council was one way of gaining some power. Council election को most of the parties ने या फिर most of the peoples ने उसको boycott किया था. हालांकि initially they wanted कि हमें election लड़ना चाहिए, पर लेकिन most of the जो party थी जो उस समय जो regional parties थी या फिर जो national party Indian National Congress, उन्होंने उन election को boycott किया except मद्रास यानी कि तमिलनाडु में नहीं किया. वहाँ की जो जस्टिस पार्टी थी जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उनका ये मानना था कि जब तक हम इलेक्शन में लड़ेंगे नहीं, जब तक हम काउंसिल में जीतेंगे मतलब एंटर नहीं होंगे, तब तक हमें कुछ पावर ही नहीं मिलेगी. समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू. और उनका कहीं ना कहीं एक मीनिंग ये भी था कि जो ब्राह्मण्स जो होते थे उस समय उनको सारे काउंसिल पावर्स मिलते थे, वेयर एज जो नॉन ब्राह्मण
टाइप ऑफ कम्युनिटी के पीपल होते थे, उनको भी पावर नहीं मिल पाता था। तो इस इंटेंशन से भी ये सब चाहते थे कि हमें पावर्स मिले, तभी जाके हमारे पास कुछ पावर्स आएंगे, हमारे कम्युनिटी पीपल के लिए कुछ कर पाएंगे। ओके, द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेर मोर ड्रामेटिक। फॉरन गुड्स वेर बॉयकॉटेड, लिक्विड शॉप्स वेर पिकेटेड एंड फॉरन क्लॉथ्स बर्न्ड इन अ ह्यूज बॉनफायर। अब इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इकोनॉमिक, अगर हम इकोनॉमिक तरीके से देखें यानी आर्थिक तरीके से देखें, तो उसका भी काफ़ी उस पर इफेक्ट पड़ गया। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि जो फॉरेन गुड्स जितने भी आते थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया, उनका बहिष्कार कर दिया गया कि हम आपका गुड्स यूज़ नहीं करेंगे। लिक्विड शॉप्स को पिकेटेड कर दिया गया। पिकेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पे पीपल जो है ना किसी एंट्रेंस के शॉप पर वहाँ पर जाके डेमोन्स्ट्रेशन दे। ओके, फैक्ट्री के एरिया है या ऑफिस एरिया है उसको ब्लॉक कर दे, किसी को वहाँ पर जाने ही ना दे कि वो कुछ खरीद पाए। ओके, और जितने भी जो फॉरेन क्लॉथ्स होते थे वो जो बड़े बोन फायर्स थे वहाँ पर उनको जला रहे थे। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922 एंड एज वेल एज जो फॉरेन क्लॉथ जो इम्पोर्ट होता था ड्यू टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिटवीन द ईयर्स 1921 टू 1922 इसका इम्पोर्ट आधा हो गया। इंग्लैंड से जो जितना भी सामान आता था जो क्लोथ्स का वो बिल्कुल आधा आने लगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी। पहले जहाँ 102 करोड़ ऑफ सामान इंग्लैंड इम्पोर्ट करती थी क्लोथ्स के, वो अब केवल 57 करोड़ ही रह गए। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। और ऐसे बहुत सारे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स भी थे यानी बिजनेस क्लास के पीपल भी थे जो बिजनेस करते थे, उन्होंने भी फॉरेन गुड्स और जो फॉरेन ट्रेड होता उसको खरीदने से, उसको व्यापार करने से उसको मना कर दिया। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप। उसके साथ साथ फ़ायदा ये हुआ जो हमारे इंडियन टेक्सटाइलर्स थे जो कि यू नो क्लोथ्स प्रिपेयर करते थे, उनका फ़ायदा हुआ, इनका प्रोडक्शन बनने लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल खादी को अपनाने लग गए थे और उनको पहनने लग गए थे। तो इंडियन प्रोडक्शन और इंडियन मिल्स और इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स की प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गई। बट दिस मोमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर वेराइटी ऑफ रीजन। अब सिटीज़ में धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम्स ये मोमेंट स्लो होता गया। उसका रीज़न ये था कि खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट एफोर्ड टू बाय इट। अब जो खादी जो क्लॉथ बनता था वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, स्पेशली जो पुअर पीपल थे। जो मिल से जो क्लॉथ आता था वो काफ़ी सस्ता रहता था और खादी क्लॉथ जो होता था वो एक्सपेंसिव रहता था, तो इसलिए जो स्पेशली जो पुअर पीपल हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। How then could they boycott mill for too long? और इसी वजह से वो मिल क्लॉथ को ज़्यादा लंबे समय तक बॉयकॉट नहीं कर पाए। Similarly, the boycott of British institution posed a problem for the movement to be successful. Alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in place of the British one. इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये आई थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए थे, पर लेकिन उसके लिए हमें इंडियन इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना ज़रूरी है, तभी जाके वो बच्चे उन इंडियन इंस्टीट्यूशन में पढ़ पाएंगे। पर लेकिन जो इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की जो प्रोसेस थी वो काफ़ी स्लो थी और इस वजह से स्टूडेंट्स एंड टीचर बिगन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल। इस वजह से स्टूडेंट टीचर्स को मजबूरी में वापस गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ जाना पड़ा। और जैसे जैसे क्या हुआ कि यू नो मूवमेंट स्लो डाउन हो गया, तो लॉयर्स ऑल्सो ज्वाइन बैक टू द गवर्नमेंट कोर्ट्स। ओके, आज के लिए केवल इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम पढ़ेंगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ। ओके, इसके बारे में हम जानेंगे।